नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पेमेंट लेट करते हैं, जीएसटी लेट जमा कराते हैं, तो ऐसे में आपको कितना ब्याज देना होगा, कितनी पेनल्टी देनी होगी और आपको कितने साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीएसटी लेट जमा कराते हैं तो ऐसे में आपको ब्याज तो देना ही होता है, साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और कई केसेस में जेल भी हो सकती है। ये सब आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप जीएसटी लेट जमा कराते हैं, लेट डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे में आपको कितना ब्याज देना होता है, कितनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। रिगार्डिंग हमें बताता है सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेक्शन 50 कहता है कि अगर आप लेट टैक्स डिपॉजिट कराते हैं तो ऐसे में आपको 18% तक का ब्याज देना होगा। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by the government on the recommendation of the council. यहां पर कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जिनको टैक्स पे करने की लायबिलिटी है और वह दिए गए समय के अनुसार टैक्स की पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे में उसको 18% तक का ब्याज देना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो टैक्स पे करने की ड्यू डेट है इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो जिस भी महीने का टैक्स है उस महीने से जो भी अगला महीना है उसकी 20 तारीख तक आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है। यह टैक्स की पेमेंट GSTR 3B रिटर्न के जरिए की जाती है। इसके अलावा अगर आप एक कंपोजिशन डीलर है तो ऐसे में इस भी क्वार्टर के लिए आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, उस क्वार्टर के अगले महीने की 18 तारीख तक आपको टैक्स की पेमेंट करनी होती है, जो कि GSTR 4 के जरिए की जाती है। ऐसे में जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम के अंदर आप जीएसटी की पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर 18% की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाता है। इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो भी आपकी लास्ट ड्यू डेट रहती है उसके अगले दिन से यह ब्याज शुरू हो जाता है, जिस डेट में आप टैक्सेस की पेमेंट करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, उस डेट तक यह ब्याज लगाया जाता है। अगर आप में से कोई भी समय रहते अपना जीएसटी डिपॉजिट नहीं कराता है, तो ऐसे में 18% तक का ब्याज आपको देना होगा। उसके बाद बात आती है कि पेनल्टी कितनी पे करनी होगी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्याज की पेमेंट करने के बाद बच जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेज वेयर ए टैक्सेबल पर्सन who collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. यहां पर कहा गया कि अगर आप कोई भी टैक्स कलेक्ट करते हैं, उस टैक्सेस की पेमेंट आप ड्यू डेट तक नहीं करते हैं, ड्यू डेट के बाद भी 3 महीने तक आप उस टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके अलावा यह मानते हुए कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे में जितना भी टैक्स आपने कलेक्ट किया है उतने रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। वेयर ए टैक्सेबल पर्सन हु कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स ड्यू, he shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to the tax evaded whichever is higher. यहां पर 10,000 रुपए और जितनी भी टैक्स की चोरी आपने की है उन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगी, ज्यादा होगी, उतने रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है।
यहां पर ध्यान रखें, अगर आप जीएसटी लेट डिपॉजिट कराते हैं और यह डिले 3 महीने से ज्यादा है, जिस डेट में आपको जीएसटी जमा करा देना चाहिए था उसके 3 महीने तक आप जीएसटी जमा नहीं कराते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर सेक्शन 122 के तहत पेनल्टी लगाई जा सकती है। यह पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट में बताई गई है, इतनी ही पेनल्टी एसजीएसटी एक्ट के तहत आपके ऊपर लगाई जाएगी। उसके बाद बात आती है कि अगर पेनल्टी लगाने के बाद भी क्या कोई पनिशमेंट भी जीएसटी लॉ के तहत दी जा सकती है, तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 132 हमें बताता है, अगर आपने किसी टैक्सेस की कलेक्शन की है और उसको ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराते हैं और यह डिले 3 महीने से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में पेनल्टी तो लगाई ही जाएगी, उसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है। Whoever commits any of the following offenses, namely collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due, he shall be punishable in cases where the amount of tax evaded or the amount of ITC credit wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 500 lakh rupees with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine। यहां पर कहा गया कि यह मानते हुए टैक्स की चोरी की जा रही है और यह अमाउंट अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, आपने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया है, वह 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, 5 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड और द अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड्स 200 लाख रुपीस बट डजंट एक्सीड 500 लाख रुपीस विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स एंड विद फाइन। तो अगर जो टैक्स की चोरी की जा रही है, जो टैक्स आपने डिपॉजिट नहीं कराया है, वह 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा इन द केस ऑफ एनी अदर ऑफेंस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड और द अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन एक्सीड्स 100 लाख रुपीस बट डजंट एक्सीड 200 लाख रुपीस विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन। अगर जो टैक्स की चोरी की जा रही है, जो टैक्स आपने डिपॉजिट नहीं कराया है, वह 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। यहां पर ध्यान रखें, अगर आप जीएसटी लेट जमा कराते हैं, लेट डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करने से बच जाएंगे। अगर वह डिले 3 महीने से ज्यादा है, तो ऐसे में जीएसटी लॉ के तहत आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो कि 10,000 रुपए और जो भी टैक्स की चोरी की जा रही है, जो भी टैक्स आपने डिपॉजिट नहीं कराया है, उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतने रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। उसके अलावा अगर जो आपने टैक्स जमा नहीं कराया है वह 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। और अगर जो टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया है वह 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है और साथ ही आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर जो आपने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया है वह 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में 1 साल तक की जेल आपको हो सकती है और साथ ही फाइन भी आपको पे करना होगा। तो ध्यान रखें, कोशिश करें टाइम पर अपना टैक्स डिपॉजिट कराएं। जीएसटी लॉ अभी नया है, ऐसे में अभी तक ये पेनल्टीज नहीं लगाई गई हैं, लेकिन अगर आप डिले करेंगे और डिले 3 महीने से ज्यादा होगा, तो आने वाले समय में आपके ऊपर पेनल्टियां भी लगाई जाएंगी और साथ ही आपको पनिशमेंट भी दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।